अब आप घर बैठे कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकाडमी के साथ आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है अन अकाडमी का लर्निंग ऐप। इसके अलावा आप हमें वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। अन अकाडमी पे अवेलेबल है इंडिया के टॉप एडुकेटर्स जिसकी क्लासेस आपको सफलता दिलाएंगी। यहाँ पर अगर आप प्लस कोर्स खरीद रहे हैं तो यहाँ पर अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक सब्सक्रिप्शन में सब कुछ मिलेगा। अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा। CPE10 ये रेफरल कोड है, ये रेफरल कोड डालते ही आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अगर आप प्लस कोर्स खरीद रहे हैं तो अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही प्लस कोर्स खरीदें और CPE10 जो रेफरल कोड है ये डालना बिल्कुल ना भूलें और 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाएँ। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो एक छोटा सा इन्फो है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना है UFM को लेकर। कोलकाता के छात्र हैं कल्पित, जिन्होंने RTI में कुछ सवाल पूछे थे और कमीशन की तरफ से जवाब ये आया कि काल्पनिक सवालों के जवाब देना हम उचित नहीं समझते। ठीक है, इसी के बारे में आगे बात करने वाले हैं, क्या क्या सवाल पूछे गए थे और कमीशन ने ऐसा जवाब क्यों दिया है। चलिए देखते हैं आज की अपडेट। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, SSC की हर पल की अपडेट सबसे तेज़ आपको हमारे चैनल कॉम्पिटेटिव पाठशाला पर मिलेगी। देखिए क्या है अपडेट। SSC की CHSL 2018 एग्जाम में पत्र लेखन के सवाल में जिन 4,560 छात्रों को काल्पनिक नाम व पता लिखने पर UFM देकर एग्ज़ाम प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था, वे सवाल खुद SSC के लिए काल्पनिक है। यह बात खुद SSC ने लिखित दस्तावेज में यानी कि RTI रिप्लाई में मानी है। एक छात्र ने RTI में उस आदेश की कॉपी मांगी थी जिसमें गाइडलाइन बना रखी है कि वह दस्तावेज भी मांगा जिसमें यह किसी अधिकारी ने साबित किया कि किसी छात्र ने उत्तर पुस्तिका में मकान नंबर, एरिया नंबर जैसे XYZ कॉलोनी नंबर लिखकर पहचान उजागर की है। ठीक है, ये सभी इमेजिनरी चीज़ें लिखकर पहचान बताई गई हैं। छात्र ने 6 सवाल पूछे थे और इनसे जुड़े दस्तावेज भी मांगे थे और सारे सवाल का जवाब में आया यही चीज़ कि काल्पनिक सवालों का जवाब देना हम उचित नहीं समझते। पहला देखिए सवाल क्या पूछा गया था। CHSL CGL 2018 में और 2019 में UFM लगाने को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन की कॉपी दीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या रिप्लाई है। SSC ने CHSL 2018 के Tier 2 में 4,560 छात्रों को UFM दिया है, काल्पनिक नाम व पता लिखने पर इन्हें फेल कर दिया गया है, जबकि नोटिफिकेशन और प्रवेश पत्र पर काल्पनिक शब्द का जिक्र नहीं किया गया था। जब CGL का रिज़ल्ट अभी आया नहीं है, इस पर विवाद हो रहा है, इसीलिए SSC अभी स्पष्ट गाइडलाइन की कॉपी उजागर नहीं करना चाहती। ठीक है, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही जो है वो निर्णय लिया जाएगा। दूसरा देखिए पूछा गया था सवाल, कोई भी छात्र अगर XYZ कॉलोनी या फिर XYZ हाउस नंबर लिखता है, इससे वास्तविक पहचान कैसे उजागर हो रही है और कौन अधिकारी इसे साबित कर रहा है, इसकी कॉपी उपलब्ध कराएं। ये जो क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। जिन 4,560 छात्रों को पत्र लेखन के सवाल में नाम और पता लिखने पर फेल किया गया, उसमें से एक भी मामले में यह SSC ने साबित नहीं किया है कि इन्होंने अपनी पहचान उजागर की है, क्योंकि छात्रों ने XYZ भी लिखा है तो उसे फेल कर दिया गया है, जबकि कई छात्रों ने छोटी लिखने पर ही फेल कर दिया गया है। RTI में मूल्य पुस्तिकाओं में सिर्फ UFM शब्द लिखा गया है, कोई भी अधिकारी यह साबित नहीं कर रहा कि इससे पहचान उजागर हुई है। अब यह सवाल ये है कि क्या SSC ने कोई जासूस को लगाकर पता किया है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या पूछा गया है RTI में। मान लीजिए किसी छात्र ने राम, श्याम और मधु लिख दिए हैं तो क्या UFM के दायरे में आते हैं, तो यह बताइए कि वास्तविक और काल्पनिक शब्दों की परिभाषा क्या है। CHSL व CGL एग्ज़ाम के संदर्भ में इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध दीजिए। ठीक है भाई, सवाल पूछे हैं इसने जो कि पूरा कमीशन ही नहीं दे पाएगा। देखिए क्या लिखा गया है आगे। SSC ने अभी तक वास्तविक व काल्पनिक शब्दों की परिभाषा नहीं बताई है, नोटिफिकेशन की किसी भी लाइन में इन शब्दों का जिक्र नहीं है। और बिल्कुल सही बात है, CHSL के नोटिफिकेशन में ये बात नहीं लिखी गई थी। ठीक है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में लिखी गई थी। यहाँ अगर बात करें चौथा नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया। अगर कोई छात्र पते के साथ काल्पनिक पिन कोड लिखता है तो वह अपनी वास्तविकता पहचान कैसे उजागर कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, XYZ ABCD ये कोई पिन कोड नहीं होता है, तो कैसे वास्तविक जो पहचान है वो उजागर हो रहा है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और एक प्रॉपर जो तरीका होता है लेटर लिखने का, कोई भी जो जेन्युइन स्टूडेंट है
वो बिल्कुल पिन कोड देगा ही देगा, और अगर आपने पिन कोड नहीं दिया है क्वेश्चन में तो वो क्या देगा, इमेजिनरी देना ही पड़ेगा क्योंकि जो परफॉर्मा है वो उसी हिसाब से लिखेगा। तो वही पूछा गया कि अगर कोई छात्र पते के साथ काल्पनिक पिन कोड लिखता है वह अपनी वास्तविक पहचान कैसे उजागर कर रहा है और कौन सा विभाग और अधिकारी इसको सही साबित कर रहा है। ठीक है, कई छात्रों ने पिन कोड लिखने पर UFM दे दिया गया है जैसा कि आपको पता है। अब सवाल यह है कि अगर कोई दिल्ली का छात्र है पिन कोड लिख देता है तो उसकी जो पहचान है कैसे उजागर होगी, क्योंकि दिल्ली में उसी पिन कोड में लाखों लोग होते हैं। ठीक है, सही बात लिखी गई है यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट सवाल पूछा गया, SSC उस पॉलिसी या गाइडलाइन को कॉपी उपलब्ध कराए जिसमें नाम पते के अलावा UFM केस के दायरे में आने वाले शब्द या अन्य प्रकार के साधन दायरे में लिए गए हैं। सही चीज़ें पूछी गई हैं और कमीशन की तरफ से जो जवाब आया है वो बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, SSC ने UFM दिए गए 4,560 छात्रों की संख्या भी 16 अप्रैल को बताई गई, वो भी उस स्थिति में जब लगातार आंदोलन कर रहे थे और भास्कर लगातार खुलासे कर रहा है, और यही रीज़न है जिसके कारण इस मुद्दे को फिर से उठाया गया है और इस चीज़ को फिर से बताया गया, ये जो सवाल पूछे गए हैं। आगे देखिए, अन्य साधनों में कितने मामले UFM के दायरे में हैं, केस की सूची उपलब्ध कराई जाए। साल 2017 में UFM के आंकड़े अभी तक नहीं बताए गए हैं, यह भी कभी नहीं बताया गया है कि किन किन शब्दों पर UFM दिया गया है। RTI के सवालों पर SSC ने यह दिया जवाब, 15 अप्रैल को दिए गए जवाब में SSC ने यह कहा कि SSC की RTI विंग में ऐसे किसी भी सवाल का जवाब देना आवश्यक नहीं समझता है जो काल्पनिक है, ये सवाल इस विंग के दायरे में नहीं है। तो ये जो न्यूज़ है वो फिर से छापी गई है और इससे आप पूरा रिलेट कर सकते हैं कि किस तरह जो है इस चीज़ को SSC टाल रही थी, लेकिन वही जो ट्विटर कैंपेन चलाया गया वही कैंपेन चलाने के कारण आज जो मिसयूज हुआ है उससे सभी स्टूडेंट अब बचेंगे, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद देखिए अब क्या होता है, आशा है कि जो निर्णय है वो स्टूडेंट के पक्ष में ही होगा और जो भी होगा सही होगा। तो यही अपडेट थी जिसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करना था। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, सारे सवाल अच्छे पूछे गए थे, सारा रीज़न वगैरह पूछा गया था कि क्या कारण है, किस लिए है, क्यों है, लेकिन कमीशन उसका जवाब दे नहीं पाई। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी अपडेट हो उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, SSC की हर पल की अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जो प्लस कोर्सेज हैं बेस्ट प्राइसेस पे अवेलेबल हैं, इंडिया के टॉप एडुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। प्लस कोर्स की सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको CPET10 ये जो डिस्काउंट कोड है उसको अप्लाई करना है, ये अप्लाई करते ही आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे अलग अलग टीचर्स के लिए या फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलग अलग पे नहीं करना पड़ेगा। अगर एक सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं तो उसमें 100+ जो है एडुकेटर्स आपको मिलेंगे, जिससे भी मन आप उससे पढ़ सकते हैं, उनकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, लाइव क्लासेस, क्लास रिकॉर्डिंग, इसके अलावा PDF लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं अनअकैडमी के अलावा आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। बस एक बात आपको ध्यान में रखना है, CPET10 ये जो डिस्काउंट कोड है यही आपको अप्लाई करना है, रेफरल कोड। ये रेफरल कोड अप्लाई करती है आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।